दोस्तों आपका स्वागत है कंप्यूटर ज्ञान केंद्र में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक की तरफ से आई हुई वैकेंसी के बारे में, जिसमें जो टोटल पोस्ट है वो है 800 टोटल पोस्ट दी गई है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी स्टार्टिंग जो है मार्च 2019 बताई गई है और लास्ट डेट जो है 15 अप्रैल 2019 है। सीबीटी एग्जाम जो है वो मई में होगा और एडमिट कार्ड अप्रैल से अवेलेबल हो जाएंगे। जनरल और ओबीसी के लिए इसकी फीस स्ट्रक्चर है 700 रुपए, एससी एसटी वालों के लिए यहाँ पर है 150 रुपए फीस है। एलिजिबिलिटी बताई गई है बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। जनरल ओबीसी 60% रिक्वायर्ड, एससी एसटी फिजिकल वालों के लिए 55% रिक्वायरमेंट है। और एज लिमिट दी गई है 20 से 25 साल एग्जीक्यूटिव के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 21 से 28 साल। तो इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हम जाके देखते हैं, आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में हम यहाँ पर आ गए हैं और इसकी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो जहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग बहुत सारी पोस्ट दी गई हैं जो आई हुई है, कुछ की लिंक अभी ओपन नहीं हुई है और कुछ की लिंक ओपन हो चुकी है। जैसे सबसे पहली लिंक जो ओपन हो चुकी है वो है एंगेजमेंट ऑफ हेड ट्रेजरी की चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, हेड एचआर और हेड डेटा एनालिस्ट 2019। इसके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल है, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट भी अवेलेबल है। रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, जिसकी डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर अवेलेबल है लेकिन अभी लिंक ओपन नहीं हुई है, तो बहुत ही जल्दी इसकी लिंक जो है इसकी भी लिंक ओपन हो जाएगी। इसके अलावा रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट कैडरी ऑफिसर, जिसकी भी लिंक अभी ओपन नहीं हुई है। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट, इसकी भी लिंक ओपन नहीं हुई है, एडवर्टाइज दे दिया गया है और बहुत ही जल्द इसकी भी लिंक ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग बहुत सारी जो है वैकेंसी यहाँ पर आई, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए वैकेंसी आई है जिसके लिए ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर चालू हो चुका है। एडवर्टाइजमेंट इसका आप देखना चाहते हैं 22 मार्च 2019 को जो है डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ गया है, तो इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप इस वेबसाइट से, जो इसकी वेबसाइट है idbi.com से, यहां से आप ले सकते हैं। और कैसे इस फॉर्म को भरना है इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट की, जहां से आप क्लिक करके इस फॉर्म को देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है चार्टेड अकाउंटेंट के लिए जो वैकेंसी आई है, जिसकी स्टार्टिंग डेट बताई गई 26 मार्च और लास्ट डेट जो है इसकी 8 अप्रैल दी गई है। कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी दिया है 1 मार्च 2019। ग्रेड अलग अलग है, ग्रेड डी, ग्रेड सी, ग्रेड बी के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एस सी एस टी ओ बी सी के लिए कितनी कितनी वैकेंसी है सब यहां पर दिया गया है। इसके जो डिटेल्ड दिया गया है इसमें इंफॉर्मेशन, इसमें एज लिमिट दी गई है 35 से 45 साल, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 35 से 45 साल है। और क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन विद फर्स्ट क्लास इन एनी स्ट्रीम, एक्सपीरियंस मिनिमम 12 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन कमर्शियल बैंक FI विद एन एनुअल टर्नओवर ऑफ रुपीज 1000 करोड़ एंड अबव। और इसके बारे में आप जानकारी यहां से ले सकते हैं। सभी पोस्ट के लिए अलग अलग दिया गया है जानकारी, तो डिटेल्ड सिलेबस आप प्रत्येक जो यहां पर इंफॉर्मेशन है, जो एप्लीकेशन आई है उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन यहां से ले सकते हैं। आपको भरने के लिए जस्ट उसके नीचे दिया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस पे क्लिक करना है, जिससे आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की इसकी लिंक पे डायरेक्ट यहां पर ही अपन पहुंच गए। तो इसको आप सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी डिटेल डालेंगे और एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, जिसके थ्रू आप यहां से लॉग इन करके अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है यहाँ पर दिया गया है रेफरेंस डॉक्यूमेंट में। हाउ टू अप्लाई में क्लिक करके आप एक डॉक्यूमेंट ओपन होगा जिसमें जानकारी दी जाएगी कि आपको किस प्रकार से इस फॉर्म को भरना है। ये पूरी जानकारी दी गई है हाउ टू अप्लाई, आपको क्या क्या करना होगा। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट दी गई है, यहाँ से भरना है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू हैव वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी एंड कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, जिसमें आपको आईडी और पासवर्ड जो है प्रोसेस करके दिया जाएगा। और इसकी लिंक मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप इसको आसानी से देख सकें और इसके फॉर्म को भर सकें। तो उसके बारे में जानकारी आप इस वेबसाइट से ले सकते हैं और आसानी से इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली वैकेंसी के साथ। नमस्कार।